तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो कॉल्ड ई एम पी पाथवे एमडन मेयर ऑफ बर्नस पाथवे इसे हम ई एम पी पाथवे भी कहते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट थे एमडन मेयर ऑफ बर्नस इन्ही ने जो ग्लाइकोलिसिस टर्म है वो दिया था अ मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इन अ सीरीज ऑफ एंडाइम एनजाइम कैटलाइज रिएक्शन टू यील्ड टू मॉलिक्यूल ऑफ द थ्री कार्बन कंपाउंड पायरोवेट तो हमें ग्लूकोज के मोलिक्यूल से थ्री कार्बन कंपाउंड पायरोट मिलता है इसी को हम ग्लाइकोलिस कहते हैं ग्लाइकोलिसिस वर्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक ग्लाइको एंड लाइसिस मीन्स होता है शुगर एंड लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक होना तो शुगर का ब्रेकडाउन ही कहलाता है ग्लाइकोलिसिस और देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस इन एन इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये ऑलमोस्ट एवरी सेल में पाया जाता है ग्लाइकोलिसिस हैज टू फेजिस में हमें दो फेज मिलते हैं फर्स्ट इज प्रिपरेटरी फेज दिस इज़ द फर्स्ट फेज फर्स्ट फाइव स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस कंस्टिट्यूट दिस फेज टू ए टी पीज आर कंज्यूम्ड इन दिस फेज तो Uh, ये जो पहला फेज होता है ग्लाइकोलाइसिस टोटल टेन स्टेप्स होते हैं उसमें से पहले जो फाइव स्टेप्स होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज के होते हैं और इसमें जो है दो एटीपी का हमें कंज़म्पशन होता है दो एटीपी लगते हैं यूज़ होते हैं एंड सेकेंड फेज इज़ पे ऑफ फेज दिस इज़ द सेकेंड फेज लास्ट फाइव स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कंसिस्ट दिस फेज फोर एटीपी आर रिलीज इन दिस फेज और इसमें क्या होता है कि फोर एटीपी का रिलीज़ होता है मतलब हमें फ़ोर एटीपी मिलते हैं और जो एन के फाइव स्टेप्स होते हैं वो इस फेज़ में होते हैं तो आइए देखते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस की पूरी रिएक्शन कैसे होती है पहले हमें ग्लूकोज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से होता है और ए जो होता है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है एक एडीनी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी देख सकते हैं आप यहाँ पर तीन फॉस्फेट हैं और ये है हमारा ग्लूकोज ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये रहा सिक्स कार्बन यहाँ पर ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है अब ये जो ग्लूकोज का कन्वर्जन है एंजाइम जो है जो काइनेज एक्टिविटी होती है उसका मतलब होता है करना वो एक फॉस्फेट ऐड करता है काइनेज जो एंजाइम होता है उसका काम होता है फॉस्फेट का एडिशन तो ग्लूकोज में यहाँ पर इसने फॉस्फेट का एडिशन करा दिया यहाँ पे सिक्स कार्बन पे ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो ए था उसका कन्वर्जन हो गया ए में क्योंकि इसका जो एक फॉस्फेट है वो यहाँ पर आ गया तो ये बन गया ए तो क्योंकि हमारा ये प्रिप्रेटरी फेज में होता है तो यहाँ पर अभी हमें ए का कंजम्पशन होगा अब हम देख लेते हैं इसका सेकेंड फेज तो ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट से अब जो नेक्स्ट एंजाइम काम करेगा फॉस्फो हेक्सो फ़ोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज इस एंजाइम की हेल्प से रक्टोज सिक्स वॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज सिक्स वॉस्वेट जो आइसोमरेज एंजाइम होता है उससे क्या होता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज होता है और कुछ बाहर से एडिशन नहीं होता है तो आप देख सकते हैं सब सेम टू सेम ही है बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया यहाँ पर कीटोन ग्रुप ऐड हो गया है बाकी सब सेम है यहाँ पे फॉस्फेट है यहाँ पर फॉस्फेट है कार्बन ओ, ओ, ओ एच ग्रुप यहाँ पर बस ये यह जो यहाँ से सी एच टू ओ एच यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ जा चुके हैं एक यहाँ यहाँ से ऐड हो जाएगा ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप चेक कर लेते हैं तो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट बनता है इसमें क्या होता है एंजाइम जो काम करता है फॉसफो एटीपी ए का इसमें भी एक ए यूज होता है और ए में कन्वर्ट हो जाता है तो आइए देखते हैं ये ये, ये रहा फ्रक्टोसिक्स फॉसफेट यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड हुआ है अब इसमें क्या होता है काइनेज फिर से आ गया काइनेज का मतलब है इसमें एक फॉस्फेट ऐड होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड हो गया है और ए कन्वर्ट हो गया है ए में ए का तो मैंने आपको पहले ही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे ए टी में कन्वर्ट हो जाता है जो अब अपना नेक्स्ट स्टेप है तो पहले यहाँ देख लेते हैं फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्ड फॉस्फेट एल्डोलिस की मदद से लिस्ट एलडीहाइटी फॉस्फेट प्लस टाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है से यहाँ देखते हैं फ्रक्टोज़ वन सिक्स टाई फॉस्फेट इसका स्ट्रक्चर ये जो है यहाँ मिडल से टूट जाएगा ऐसे और ये डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फिट बनाएगा प्लस ग्लिस रेल थ्री बनाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो H है ये इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा प्लस ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बनाकर इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा विच विच वी विल कॉल ग्लिसट थ्री फॉस्फिट इसे बोलेंगे हम एंड यहाँ पर क्योंकि ये ये दोनों हैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और प्लस यहाँ जो एंजाइम काम करेगा उसे हम कहेंगे ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेस हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अब यहाँ पेलडिया फॉस्फेट जो ग्लेसरेलडियाड सी फॉस्फेट टी हाइड्रोजिनीस के एंजाइम की, की मदद मतलब से वन थ्री बीस फॉर्फ में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर क्योंकि डी हाइड्रोजिनेस जहाँ पर भी यूज होता है वहाँ पर हमें हाइड्रोजन जो है वो वहाँ से निकल रहा होता है मतलब इस कंपाउंड में से निकल रहा होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लैसरेलडियाड सी फॉस्फेट है और यहाँ पे यहाँ से एक पीआई यानी कि फॉस्फेट भी ऐड होगा यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा ये आप देख सकते हैं इस वाले का ये डबल बॉन्डो यहाँ पर और प्लस यहाँ पर एक फॉस्फेट भी ऐड होगा तो ये बन जाएगा वन थ्री बाई फोसो क्लेसिट और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम वन थ्री बेस्ट फॉसफोगसरेट कन्वर्ट हो जाएगा थ्री फॉस्फोगट में और यहाँ पर दो ए ऐड होंगे और हमें टू ए टी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा फॉस्फो गेसरेट काइनेस काइनेस का काम होता है कि फॉस्फोराइलेट करना तो देख लेते हैं यहाँ पे थ्री फॉस्फोगट ये है तो फ्लास पॉसफो सॉरी वन थ्री बेस्ट फॉसफो इट विल कन्वर्ट इन थ्री फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो ये ए डी पी में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा एटीपी। पी और यहाँ पर ये थ्री फॉस्फोग्लिसरेट ग्लेसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से फॉस्फेट निकल गया तो यहाँ पे सी डबल ओ माइनस हो गया अब जो है नेक्स्ट स्टेप में थ्री फोस्फो गेट विल कन्वर्ट इन टू टू फॉसफो ग्लेसरेट फॉस्फो गेट म्यूटेज एनजाइम की हेल्प से ये जो कार्बन ये जो फॉस्फोरस यहाँ पर ऐड था वो अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा मेटल में यानी कि टू नंबर कार्बन पे ये ऐड हो जाएगा तो ये टू फॉस्फोगट हो जाएगा एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉस्फोगट विल कन्वर्ट इन टू फॉस्फो एनोल पायरोइड तो यहाँ पे एनोले एंजाइम वर्क करेगा इसमें आप देख सकते हैं ये एनोलेस और इसको हमने यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है जिससे कि स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल रहे तो ये C डबल O माइनस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर यहाँ पर C डबल O H नहीं होगा C डबल O माइनस होगा और यहाँ पे एनोलेस एनजाइम की हेल्प से ये सीरा वलो माइनस सी ओ यहाँ पर फॉस्फोरस वैसा का वैसा ही है यहाँ से ओ एच ग्रुप चला गया है यहाँ से एक हाइड्रोजन ये दो ओ एच ये एक ओ एच सॉरी एक ओ एच और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्लस एच टू बाहर निकल गया नेक्स्ट स्टेपेज टू फॉस्फो एनोल पायरो जो बना है उससे पायरवेट काइनेस एंजाइम की हेल्प से टू ए डी पी यहाँ पर यूज़ होंगे ये फॉस्फेट चला जाएगा ए टी पी में और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा टू पायरोट में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा सी एच यहाँ से ये <coughs> सॉरी बॉन्ड टूटेगा और ये फीएसट थ्री हो जाएगा पायरुवेट काइनेस एंजाइम की हेल्प से तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेप इस तरह से हमारा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे प्लस इसमें जो ए टी पी का कंज़म्पशन होगा वो हमें प्रिपरेटरी फेज में जो है वो दो ए टी पी दो ए के मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे यहाँ पे हमने यूज़ किए थे और पे ऑफ फेज में हमें यहाँ पे चार ए मॉलिक्यूल्स मिले जैसे कि दो यहाँ मिले एंड दो यहाँ मिले सो टोटल ए टी कंजम्पशन तो फोर मॉलिक्यूल हमें मिले जबकि दो हमारे लग गए तो हमें टो तो, टोटल तो तो जो ए मिले वो थे टू ए तो हमें बेनिफिट हुआ टू ए का